पिछले कुछ सालों से अक्षय कुमार ने खुद को कॉमेडी का बादशाह साबित कर लिया है और आप ये अक्षय कुमार की फिल्मों को देखकर अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि हमें इनकी गरम मसाला, हेरा फेरी, भागम भाग, वेलकम और आवारा पागल दीवाना के साथ बहुत सारी कॉमेडी वाली फिल्में देखने को मिली थी। और अब एक बार फिर से अक्षय कुमार जो कि हमारे सामने कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म लाने वाले हैं, जो कि 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और अक्षय कुमार की इस फिल्म का नाम होने वाला है खेल खेल में। और वहीं इसके साथ अक्षय कुमार जो कि 2025 में अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइजों की अगली फिल्म को लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट के टाइम में अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म खेल खेल के प्रमोशन के एक इवेंट में एक अपडेट दिया है। और इस इवेंट में अक्षय कुमार ने कहा है कि अब हम 18 महीनों में आपके सामने जोली एलएलबी 3 वेलकम 3 के साथ अपनी कॉमेडी इंटरटेनमेंट वाली फिल्म हाउसफुल 5 फिल्म को रिलीज करने वाले हैं। और इन सभी फिल्मों के साथ साथ हम अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइजी वाली फिल्मों के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, जिसकी अपडेट आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर मिल जाएगी। क्योंकि अभी हमने अपनी वेलकम टू दी जंगल फिल्म की शूटिंग को 40% तक कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम अपनी वेलकम 3 फिल्म की शूटिंग को शुरू करने वाले हैं। और इन सभी फिल्मों के बारे में बताते हुए अक्षय कुमार ने यह भी कहा है कि इन सभी फिल्मों के साथ आपको मेरी एक एक्शन वाली फिल्म देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर मैं एक एक्शन अवतार में नजर आऊंगा, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट के टाइम में एक एक्शन फिल्म के लिए बातचीत कर रहा हूं, जिसकी अपडेट आपको 2025 में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अभी प्रेजेंट के टाइम में हमारे इंडियन सिनेमा की पब्लिक जो कि फ्रेंचाइजी वाली फिल्मों को देखना पसंद करती है, इसलिए अब मैं भी उन सभी फिल्मों को करने जा रहा हूं, क्योंकि जो भी पब्लिक कहती है हमें उनको समझना चाहिए और फिर उनके इंटरटेनमेंट के लिए बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस वाली फिल्म देनी चाहिए। लेकिन इन सभी फिल्मों के साथ साथ मैं अलग अलग तरह की फिल्मों को भी करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन सभी फिल्मों को करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि कई बार मैं दर्शकों को वो देना चाहता हूं जो कि दर्शकों को चाहिए होता है, लेकिन इसमें मैं सफल हो पाता हूं या फिर नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन मेरी ये सफलता मुझको रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं पब्लिक को कुछ नया एक्सपीरियंस देने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहूंगा। यानी अब 2024 के एंड के बाद हमें अक्षय कुमार वही कॉमेडी किरदार में देखने को मिलने वाले हैं जो हमें वेलकम, भागम भाग और हेरा फेरी जैसी फिल्मों के अंदर देखने को मिले थे। तो 2025 में हम अक्षय कुमार की इन सभी फिल्मों को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और खासकर हेरा फेरी 3 जैसी फिल्म को देखने के लिए। तो क्या आप सभी भी अक्षय कुमार की इन सभी फिल्मों को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जो हमें वेलकम गोल